नमस्कार, मैं प्रज्ञा वांगमारे, आप देख रहे हैं वसई लाइव न्यूज। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण महाराष्ट्र में एक बार फिर से हो सकता है लॉकडाउन। ये लॉकडाउन 8 या 14 दिन का हो सकता है, हालांकि इसका निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। इसका निर्णय आने वाले दिनों में हो सकता है, जिसके मद्देनज़र लोगों में अभी से एक बार फिर से डर पैदा हो गया है कि अगर लॉकडाउन लग गया तो हम पर एक बार फिर से भूखमारी की नौबत आ जाएगी। इस वक्त हम उपस्थित हैं नालासोपारा स्टेशन पर। आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों में एक बार फिर से पिछले साल जैसा डर पैदा हो गया है कि अगर एक बार फिर से अचानक से लॉकडाउन लग गया तो हम पर फिर से भूखमारी की नौबत आ जाएगी, जिसके कारण लोग एक बार फिर से अपने गांव की ओर, अपने घर की ओर पलायन करते नजर आ रहे हैं। शंकर सर, क्या बताएंगे सरकार ने जो अचानक अगर लॉकडाउन लगा दिया तो क्या मुसीबतें आपको झेलनी पड़ेंगी? पूरी मुसीबत है, 4-5 महीना से मुसीबत है। सेठ लोग काम पे नहीं ले रहे, अभी परेशान होकर गाँव जा रहा हूँ। पिछले बार लॉकडाउन लगाया गया था तो क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी थी? ऐसे ही सर, अचानक भागना पड़ा है, ऐसे भी कहाँ से लाएंगे। सरकार के इस अचानक लॉकडाउन के पैसे से आप खुश हैं कि नहीं? नहीं, खुश नहीं है। संदेश क्या देना चाहेंगे? हाँ सर, मैसेज क्या देना चाहेंगे सरकार? लॉकडाउन लगाओ मत। दिनेश सिंह सर, क्या बताएंगे लॉकडाउन से आपको क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी अगर हो गया? लॉकडाउन से बहुत बड़ी मुसीबतें हैं, लोग खाएंगे क्या, कैसे रहेंगे, रूम का भाड़ा है, लाइट बिल है, लाइट बिल सरकार तो माफ़ नहीं की न करेगी, इसीलिए लोग गांव भाग रहे हैं और क्या करेंगे। पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी थी आपको? बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ी, लोग भूखे मर गए, गाँव जाते समय कितने लोग मर गए रास्ते में, बस ट्रक वगैरह सब पैदल कितने लोग गए, फिर वही पैदल जाएंगे। या तो सरकार को बोलना चाहिए कि हाँ भाई लॉकडाउन लगने वाला है, तुम लोग अपने घर को निकल जाओ। सरकार के इस अचानक लॉकडाउन फैसले से आप कुछ सहमत है कि नहीं? कुछ नहीं सहमत है, हम लोग नाराज हैं लॉकडाउन से। क्या सरकार को संदेश क्या देना चाहेंगे? सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि सरकार को अगर लॉकडाउन लगाना है तो बोल दे कि हाँ भाई लॉकडाउन 10 दिन या 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए लगेगा, आप लोग अपने घर को चले जाइए, नहीं तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सब मजदूर आदमी रहते हैं नालासोपारा में। सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया तो क्या निर्णय होगा आपका, क्या बताएंगे? अब गांव भागना पड़ेगा और क्या निर्णय होगा, यहाँ रुकने से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ भुखमरी का शिकार हो जाना पड़ेगा ना। पिछले बार लॉकडाउन लगा था तो क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी? मुसीबतें बहुत झेलना पड़ा, 4 दिन में पहुँचा घर मोटरसाइकिल लेकर के, अब फिर लग गया है, वही समय आ गया है फिर भुखमरी का। सरकार इस पर ट्रेनों को व्यवस्था करे, लॉकडाउन लगा रहे तो असुविधा न होने पाए यात्रियों को अपने अपने घर से। क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को यही संदेश जाना चाहेंगे कि कोरोना का माहौल अगर बढ़ रहा है तो लॉकडाउन लगाए, लेकिन है कि घर जाने आने के लिए गाड़ी का व्यवस्था कराएं और सबको लोग कुशलपूर्वक अपने अपने परिवार में पहुँचे, गाँव पहुँचे, नहीं यहाँ क्या खाएँगे, लॉकडाउन लग गया है, यहाँ क्या मिल रहा है, सब सब्जी दुकान किराना स्टोर सब बंद हो गए हैं, मेडिकल खुला तो मेडिकल क्या करेगा, खाना पीना मिलेगा तो मेडिकल करके क्या करेगा आदमी यहाँ।